कोमल, आपका कोमल्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मशरूम बिरयानी, वो भी मशरूम टिक्का बिरयानी, और सबसे डिफरेंट फ्लेवर में। इतनी अच्छी खुशबू आती है जब बनती है तो लगता है कि बस अब सब्र नहीं होगा, कब ये बनेगी और कब हम खाएंगे। इसी तरह की बिरयानी आज हम अपने घर पे बनाने वाले हैं, वो भी झटपट, जिसे बनाने के लिए मात्र 10 मिनट लगते हैं। एक ये बाउल लिया है, बाउल में हमें डालनी है थिक सी दही, काफी गाढ़ी दही लीजिएगा। यदि आपकी लिक्विड है तो उसमें आपको बेसन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और थिक रही दही रहेगी तो आपको बेसन की कम नीड पड़ेगी। ये टोटल मैंने इसमें 100 ग्राम दही डाली है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। आप इसे जो भी चीजें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग खाना पसंद करते हैं आप कम ज्यादा कर सकते हैं। किसी भी मेजर कप चम्मच से लेना है, उसी मेजर चम्मच से सारी चीजों को अच्छे से हमें मेजर करना है। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे हम अदरक का पेस्ट, और इन सारी चीजों को हम इसी चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि दही में सारी चीजों का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और आप देखिए कितनी हमारी अच्छी से मसालेदार दही तैयार हो गई है। डालेंगे 1 नींबू का रस, और साथ साथ में हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम मेरे मशरूम है, मैंने इसे धो के और अच्छे से फ्रेश करके रखा है। इसे काटना नहीं है, बड़े बड़े मशरूम अच्छे लगते हैं खाने में भी और दिखने में भी। हमने सारे सहगे सहगे मशरूम इसके अंदर डाल दिए हैं। डालेंगे कटे हुए टमाटर, जिसका मैंने पल्प अलग कर दिया है और टुकड़ों में इसे काट दिया है, बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने इसे 2 टमाटर को काट दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा कटा हुआ प्याज, जिसे बड़े बड़े पीसेस में मैं इसे काट के रखा है, और 1 शिमला मिर्च, जिसके मैंने परत परत प्याज की अलग करके रखी है। इसमें डालेंगे 3 चम्मच बेसन, और हमें 2 चम्मच इसमें खाने वाला तेल या सरसों तेल, आप जो भी पसंद करते हैं उसे डाल सकते हैं। और कई बार हम जो अचार बनती है उसका तेल निकलता है, उस तेल को भी डाल सकते हैं, तो अचारी फ्लेवर का मशरूम बन जाता है। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि दही, बेसन, सारी वेजिटेबल्स, मशरूम में मैरिनेट किया हुआ मसाला अच्छे से लग जाएगा, तो उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितने अच्छा से हमारी खुशबू आ रही है। कब 1 घंटा हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक हमारी चीज़ें अच्छे से मैरिनेट नहीं होती हैं तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट करना है ताकि सारी चीज़ों में अच्छे से फ्लेवर चला जाए और एक टेस्ट अच्छा सा बन पाए। अब देखिए मैंने इसे अच्छे से मैरिनेट कर दिया। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। एक कढ़ाई रखी है जिसमें मैंने 3 बड़े कटोरी पानी डाला है। अब आप सोचेंगे मैंने 3 पानी क्यों डाला, चावल तो 1 है। वही तो, हम बिरयानी बना रहे हैं, हमें खुली खुली बिरयानी चाहिए तो हमें खुले खुले पानी में उबालनी पड़ती है, इसलिए हमने इस पे 3 कटोरी पानी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची, 8-10 दाने काली मिर्च के, 1 चम्मच हमें जीरा, हमें फ्राई नहीं करना है, हमें सब चीजों को उबालना है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और हम इसमें डालेंगे स्टार एनिस। आप देख सकते हैं ये स्टार एनिस होता है, ये गरम मसाले में बिरयानी में डालते हैं, वेज बिरयानी हो, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, सभी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसे आप हमेशा यूज किया करिए, इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो मैंने ये 2 डाल दिए हैं। अब हमें इसे थोड़ा सा नमक डालना है ताकि जब चावल की जो अंदर तक उसमें नमक का फ्लेवर आ जाए, लेकिन हमें थोड़ा सा कम मात्रा में डालना है। मैंने इसमें मात्र ये 1/2 चम्मच नमक डाला, और मैंने सारी चीज़ों को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में मिल जाएं और उनका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें डाल देंगे चावल, मैंने चावल को एक कटोरी चावल, बासमती चावल को 1 घंटा पहले धो के भिगो के रखा था, वो अच्छे से साफ हो चुके हैं। अब हम उसमें अब चावल डाल देंगे। आप बासमती चावल के अलावा कोई भी चावल बना सकते हैं, लेकिन बिरयानी में बासमती चावल का मजा ही कुछ और आता है। और आप देखिए कितने खिले खिले से चावल, 1 घंटा पहले भिगोने से हमारे चावल साफ हो जाते हैं, क्योंकि बासमती चावल हमेशा हल्के से येलो होते हैं, वो पूरे व्हाइट नहीं होते हैं। इसलिए इसे आप देख सकते हैं, इसलिए खुला खुला कलर आने के लिए इसमें हम चावल भिगो के रखते हैं, तो चावल का कलर साफ हो जाता है। अब हमें इसे 80% उबालना है।
इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि आपके चावल बहुत गल जाएं, चिपकने लगे, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। हमें 80% ही खुले चावल ढक्कन लगा के हमें नहीं उबालना है, खुले चावल उबालने हैं। हमारे चावल आपको दिख रहे हैं लंबे लंबे हो गए, अच्छी डबल क्वांटिटी भी हो गया, और मैं आपको चावल को तोड़ के दिखा रही हूँ। ये हाथ से टूट जा रहा है, मतलब हमारे ये 80% चावल पक चुके हैं। फ्लेम को ऑफ करके इसे छन्नी से छान के रखना है, ताकि गर्म पानी अलग हो जाए और हमारे चावल अलग हो जाए, नहीं तो स्टीम में हमारे चावल ओवर कुक हो जाएंगे। हम फ्लेम ऑफ कर दे रहे हैं। गैस पे कढ़ाई रखी है, कढ़ाई पे हमने 2 चम्मच तेल डाल देना है, हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, 2 चम्मच हमने बड़े वाले डाल दिया है। जैसे हमारा तेल हीट करेगा हमें इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देना है। जब फूटने लगा है अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है ताकि वो अच्छे से भुन जाए। ठीक है, हमारे तेल पे अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, आप लंबे भी कटे हुए डाल सकते हैं, हमें सिर्फ 1 प्याज डालना है, क्योंकि मैरिनेट करते समय हमने सारी चीज़ों को डाल दिया है। हमें एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 प्याज को हल्का सा गुलाबी करना है। हमारे प्याज का जो मॉइस्चर है वो सूख चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। हम टमाटर इसलिए डालते हैं ताकि टमाटर का जो मॉइस्चर निकलेगा उससे हमारी बिरयानी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है, और हमारी बिरयानी भी 20% बची है इस मॉइस्चर में अच्छे से पक जाती है। और अभी के मैंने टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सारे ड्राई मसाले। हमें नमक ज़रा सा ही डालना है, क्योंकि उबालते समय हमने नमक डाल दिया है, मैरिनेट करते हुए समय डाला है, इसलिए हमने थोड़ा सा नमक डाला है ताकि बाकी मसाले हमारे फीके ना लगे। थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 पिंच के बराबर हल्दी डाल देंगे, 1/2 हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। हमें मसाले जरा जरा से डाल लिए, मैरिनेट करते समय हमने इसमें अच्छी क्वांटिटी में मसाले डाल दिए थे, और हम इसे टेंगी बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला डाल दे रहे हैं। ये चाट मसाला मेरा होममेड है, हमें उसे डालना है, और सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और आप देखिए हमारा टमाटर भी अच्छे से गल गया, और हमारे सारे ड्राई मसाले भी अच्छे से भून लिए गए। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किए हुए मशरूम, प्याज, टमाटर, उसे हमें इसमें ऐड कर देना है। सारी चीजें इसमें डाल दिया है वापस, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चावल, जो हमने चावल उबाले थे ठंडा करने के बाद, ये देखिए कितने खुले खुले से चावल हो गए हैं। हमने इसमें जो ड्राई सामान डाले थे, चाहे तो आप उसे निकाल सकते हैं, और आपको पसंद हो तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। और मैंने देखिए इसके अंदर डाल दिए, और कहीं भी काली मिर्च, स्टार एनिस वगैरह दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छे से सब तरफ से चावल फैला दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया, ये ऑप्शनल है, आप जो चीज़ पसंद करते हैं तो डालिए, आप चाहें तो स्किप कर देंगे। अब हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे घी। जब तक बिरयानी में घी ना डले तो उसका मज़ा ही नहीं आता है, और ये मेरा होममेड घी है, और भी अच्छा, वो भी गाय का। आप सोचिए गाय का होममेड घी हो तो आपके खाने का द्वार सुगना हो जाता है। यदि आपको मेरा घी बनाने का वीडियो देखना है तो आई बटन में देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन, गैस को कर देंगे सिम, और रख देंगे 5 से 7 मिनट तक, ताकि सारे जूसेस हमारे बिरयानी के राइस में चले जाएं और खाने का मज़ा दुगना हो जाए। बिरयानी अच्छे से दम खा चुकी है और अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे तले हुए प्याज। मैंने थोड़े से प्याज तल के रखे थे, और आपको मैंने वीडियो में भी बताया कि प्याज आपको तल के कैसे आप स्टोर कर सकते हैं, कभी बिरयानी हो या कोई अच्छी सी पुलाव बनाना हो, ऊपर से तले हुए प्याज का स्वाद ही अलग से आता है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 नींबू का रस।
इससे हल्का सा खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। और अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हमें एक बड़े चम्मच से बिरयानी को नहीं घुमाना है, हल्का सा दम खाने के बाद फोक के सहारे से हल्का हल्का हमें ऐसा पलटाना है, फिर हमें अच्छे से बड़े चम्मच से मिक्स करना है। मशरूम बिरयानी बनके तैयार हो गई, बहुत ही जल्दी बनने वाली ये बिरयानी है, जिसे सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और इसका स्वाद तो लाजवाब होता है। इसे आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए, जब सब्जियां ना हो तो सिर्फ बिरयानी खा के पूरा खाने का मजा लीजिए। एक बिरयानी और पूरी थाली का मजा, आप सोच सकते हैं कि एक बिरयानी से कैसे थाली का मजा आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर मशरूम, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज सभी डाल दिया, तो इसके साथ हमें सब्जी की तो नीड पड़ेगी नहीं। हमने इसके साथ बहुत प्लेन रायता बनाया है, इसे आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिएगा। और कोमल्स किचन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक हम पहुँचा सकें।